जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित कैंप कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला संरक्षक पी के वर्मा और संचालन मेरठ मंडल उपाध्यक्ष शबु चौधरी ने किया। पंचायत के दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने कहा कि किसी भी तरह का ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूर्व में दिए गए ज्ञापनों का निस्तारण कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने 17 सितंबर को लखनऊ चलने की सभी किसानों से अपील भी की। जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने इस दौरान आवारा पशुओं से निजात दिलाने, किसानों के शुगर मिल पर बकाए के भुगतान की मांग की, राशन डीलर द्वारा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की फर्जी मोहर लगाकर गरीब पात्र लोगों के राशन कार्ड काटने का आरोप भी लगाया। अपनी मांगों को लेकर किसान गढ़ तहसील में अनिश्चितकालीन धरने पर सोमवार को बैठ गए। हमारी पहली तारीख में सिंभावली मासिक पंचायत होती है, तो सिंभावली मासिक पंचायत में हमारे सामने जो जो समस्याएं आई, कुछ नहीं आई, कुछ लंबित थी, उन सारी समस्याओं का हमने डीएम महोदय के नाम एसओ सिंभावली को ज्ञापन दिया था। उसमें एक रोज डीएम वो एडीएम महोदय ने हम बुलाए भी, लेकिन ढंग से विस्तार में बात नहीं हो पाई। उनकी डीएम साहब से मीटिंग थी और आज फिर हमारे यहाँ 11 तारीख में मासिक पंचायत होती है, तो हमने अल्टीमेटम दे रखा था यदि समाधान नहीं होता है तो 11 सितंबर को हम गढ़मुक्तेश्वर तहसील का घेराव करके आंदोलन करेंगे। तो आज हम यहाँ घेराव किया, हमने आए यहाँ कोई अधिकारी ज्ञापन लेने की सूचना तो आई हम पे, कहती ज्ञापन कितनी देर में दे रहे हो, ज्ञापन तो हमने पहले ज्ञापन ही देते चले आ रहे हैं सालों से, कुछ नहीं हो रहा ज्ञापनों में। हमने कहा जी ज्ञापन नहीं, हमें तो समाधान चाहिए, यहाँ समाधान वाले अधिकारी सामने आम है। फिर वो आए नहीं। अब समस्याएं क्या हैं, हापुड़ जनपद के किसानों का चार मिलों में गन्ना जाता है, ब्रजनाथपुर, सिंभावली, अगोता और नंगलामल में। नंगलामल और अगोता का पेमेंट अप टू डेट है और सिंभावली और ब्रजनाथपुर पे कई सौ करोड़ का बकाया भुगतान है, क्योंकि सिंभावली और ब्रजनाथपुर को गन्ना देने वाले किसानों का क्या गुनाह है, इनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा। दूसरी बात, आवारा पशुओं के खिलाफ किसान यूनियन ने कई बार आंदोलन चलाया, इन्हें पहले ज्ञापन दिए, फिर ब्लॉकों में पशु बांधे, फिर तालाबंदी भी करी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद यहाँ आवारा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। विद्युत विभाग वालों ने एक गड़बड़ कर रखी है। हमारा ये कहना है यदि कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में नोटिस दे दिया जाए। फर्जी चोरी दिखा रहे हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ साल बाद लाखों लाखों के उन पर नोटिस भेज गए, उसमें भी खेल करा जा रहा। इसलिए जो है किसानों ने, किसान गन्ना देता है बीच में, उसका गन्ना वो बॉन्ड में चढ़ता है, हर बार चढ़ता चला आया लेकिन इस बार नहीं चढ़ रहा। एक गांव हिम्मतपुर है, वहाँ के रीसन राशन डीलर का ये पता लगा, उसने फर्जी सेक्रेटरी और के मोहर और साइन बना के 138 राशन कार्ड काट दिए। एक उच्च स्तरीय जांच भी हुई है, जिले के बड़े बड़े अधिकारियों ने जांच करी है, जांच हुए 2-2.5 महीने हो गए। हमारा ये कहना है इंस्पेक्टर या राशन डीलर यदि कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और दोषी ना हो तो उन्हें हमारे सामने ला के हमें दिखाई जाए, जांच रिपोर्ट में ये दोषी नहीं पाए गए तो उन्हें हम भी माला घेर के उनका स्वागत करें। इसी तरीके की ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का प्रशासन कोई समाधान करने के मूड में हमें दिखाई नहीं दे रहा। और कई जो है सरकारी समितियों में हमारे यहाँ ये शिकायतें आ रही हैं, हमने पीछे लिखित भी ले लिया जिला कृषि अधिकारियों से कि यूरिया के साथ में नैनो दे रहे हैं, यूरिया की कंडीशन बना रखी है, समझ में नहीं आता भाई ये क्या है, किसान पर क्यों पाबंदी लगा रहे हो। यदि वो नैनो यूरिया इतनी बढ़िया है, नैनो यूरिया किसान को दे रहे हैं तो उसे वहाँ दे दो ना, जहाँ यूरिया की सप्लाई है, गन्ना मिलों में दे दो, कोल्ड ड्रिंक वालों को दे दो, और कहीं दे दो, लेकिन किसान पे जबरदस्ती ना थोपा जाए। ये कुछ समस्याएं थी, प्रशासन ने इन्हें समाधान करने में कोई जो है रुचि नहीं दिखाई,
इसलिए आज से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना होगा और ये लड़ाई आर पार की होगी।